प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लेकर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के साथ देश भर में रविवार को उत्साह का माहौल देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश दुनिया के लोगों से संवाद करते रहे हैं, जिसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 से हुई थी और रविवार को मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री ने देश दुनिया के लोगों से जुड़कर अपने मन की बात रखी। इधर 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने और मन की बात कार्यक्रम से जुड़ने के लिए देश भर में जगह जगह विशेष रूप से तैयारी की गई थी। बताया जा रहा है कि इस एपिसोड का लाइव प्रसारण देश भर में 4 लाख सेंटरों से किया गया, जबकि इसके अलावा भी विभिन्न माध्यमों से जुड़े और पीएम की बातें सुनी। बता दें कि अपने 100वें मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत, इको फ्रेंडली आइडिया, स्वच्छता, महिला जागरूकता, शिक्षा की भारतीय विद्या एवं सांस्कृतिक संरक्षण के अलावा संवर्धन समेत कई मुद्दों पर अपनी बात देश के लोगों के समक्ष रखी। वह इस कार्यक्रम को लेकर भागलपुर में भी करीब 150 जगहों पर भाजपा के द्वारा विशेष तैयारी की गई थी, जहां पहुंचकर लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान भागलपुर भाजपा कार्यालय, विभिन्न वार्डो एवं प्रखंडों, शहर के कई होटल और विभा भवन में मन की बात कार्यक्रम को लेकर तैयारी की गई थी। वहीं इसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन हबीबपुर स्थित मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने सैकड़ों लोगों के बीच इस कार्यक्रम को लाइव देखा और पीएम के मन की बात सुनी। इधर भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा गया, जबकि शहर के एक होटल में भागलपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता समेत काफी संख्या में लोगों ने मन की बात कार्यक्रम लाइव प्रसारण को सुना। यहाँ हजारों की तादाद में लोगों ने मन की बात सुनी है। प्रधानमंत्री के मन की बात लोगों के मन में है, सब समाज के लोग उनको प्यार करते हैं और आज भागलपुर में पूरे जगह हर विधानसभा में कम से कम 100, 700-800 ऐसे हजार से ऊपर मन की बात भागलपुर में इतने जोश के साथ हुई है, इतनी तैयारी के साथ हुई है। मैं सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो ये मन की बात का 100वां एपिसोड है, आज यह भारत के जन जन की बात हो गई है और इस मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री जी देश को कैसे आगे विकास की गति में और आगे ले जाना है और उसे आम जनों की भावनाओं को कैसे जोड़ते हुए उनके सुझाव के साथ हम कैसे देश को और अधिक प्रगतिशीलता के पथ पर ले जाएं और भारत को विश्वगुरु बनाने में आम मतदाताओं की जो भूमिका वह भी सुनिश्चित हो, इसके नाते यह मन की बात का कार्यक्रम किया जा रहा है। भागलपुर के कहलगांव स्थित बुद्धूचक थाना क्षेत्र में पुलिस ने रविवार की अहले सुबह गंगा नदी से क्षत विक्षत अवस्था में एक महिला का शव बरामद किया, जिसकी पहचान रीता कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रीता कुमारी की शादी 3 साल पूर्व बुद्धूचक निवासी सौरभ मंडल से हुई थी और एक दिन पूर्व मृतक महिला के पिता ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत बुद्धूचक थाने में दर्ज कराई थी। वहीं इसके बाद पुलिस महिला की खोजबीन में जुट गई थी और इसी बीच रविवार की सुबह गंगा में तैरता एक महिला का शव देखा गया, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर उसकी शिनाख्त रीता कुमारी के रूप में की, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रीता कुमारी का मायका नाथनगर के रानी दियारा क्षेत्र में है, जिसकी शादी 3 साल पूर्व बुद्धूचक के रहने वाले सौरभ मंडल के साथ हुई थी। इधर मृतक महिला के मायके वालों का कहना है कि शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर सौरभ मंडल द्वारा अपनी पत्नी रीता कुमारी को प्रताड़ित कर मारपीट करता था, जिसकी जानकारी उन्हें रीता ने अपने पिता और मायके वालों को दी थी। वहीं इसको लेकर मृतिका के पिता ने कहा कि जब दोनों पति पत्नी के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए वो बेटी के ससुराल गए तो बेटी को नहीं देख उसके बारे में अपने दामाद सौरभ मंडल से पूछा, जिस पर सौरभ मंडल ने उन्हें कहा कि घर में किसी को बिना कुछ बताए ही रीता घर से भाग गई है, जिसके बाद पिता ने इसकी शिकायत स्थानीय थाने में की। वहीं शव को बरामद करने के बाद पुलिस मृतिका रीता कुमारी के ससुराल पहुंची तो देखा कि वहां ताला लटका हुआ था। इधर मृतिका के पिता ने अपने दामाद पर दहेज की मांग को लेकर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है, जबकि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री से भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन रविवार को भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां भाजपा नेता ने स्टेशन का निरीक्षण किया। वहीं दौरान शहनवाज हुसैन ने स्टेशन में चल रहे कार्यों की जानकारी रेलवे के अधिकारियों से ली और दक्षिणी क्षेत्र की ओर बने प्रवेश द्वार को और विकसित करने की बात कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो, इसके लिए वो केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात कर अपनी बातों को रखेंगे। जबकि भागलपुर के साक्षक में न्यू रेलवे स्टेशन बनाने को लेकर भी पूर्व मंत्री ने चर्चा की। भाजपा एमएलसी शहनवाज हुसैन ने कहा कि मालदा डिवीजन को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला स्टेशन भागलपुर है, इसके कारण यात्रियों की सुविधा के लिए कई तरह की व्यवस्था और सुविधा रेलवे द्वारा दी जा रही है और आने वाले दिनों में भागलपुर को हाईटेक स्टेशन बनाने के लिए वो रेल मंत्री से मिलेंगे। साथ ही रेल मंत्री विकास संबंधी कई मांगों पर रेल मंत्री से चर्चा की जाएगी। वहीं स्टेशन निरीक्षण के दौरान महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल भी मौजूद रही। महापौर ने शहनवाज हुसैन का आभार जताते हुए कहा कि शहर के दक्षिणी क्षेत्र के बारे में उनकी सोच सराहनीय है और शहर के विकास कार्य के बारे में की जाने वाली हर पहल में वो अपनी सहभागिता देने को तैयार है। साथ ही कहा कि स्टेशन समेत पूरे परिसर का सौंदर्यीकरण होने से यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ेगी, जबकि स्टेशन परिसर आकर्षक भी दिखेगा। मौके पर शहर के कई शिक्षाविद, चिकित्सक, समाजसेवी और राजनीतिक दल के लोगों के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं रेलवे के, उनके साथ मेरी आज ये पूरा स्टेशन का दौरा हुआ, जिसमें नागरिक विकास समिति, बीजेपी के अध्यक्ष, पूरी टीम और समाज के और सम्मानित लोग शामिल हुए। इसमें जो साउथ भागलपुर है, इसको थोड़ा डेवलप किया जाए। जहाँ शेड पे हम लोग खड़े हैं, इसको पूरा कवर किया जाए। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था तुरंत हो, CCTV लगे और ये जो पुराना स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग बना हुआ है, जो फ्लैट बना हुआ है, इसको हटा के इसको नई जगह बना के स्टेशन को, साउथ भागलपुर को डेवलप किया जाए, क्योंकि पूरी आबादी भागलपुर की जगदीशपुर की तरफ बढ़ रही है और अगर वहाँ के लोग लोहिया पुल पे आते हैं तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। वहाँ के लोग अगर ट्रेन यहाँ से पकड़ेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे से मिला था और मेरी इस पूरी मीटिंग के बाद अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात इसी हफ्ते होनी है, जिसमें भागलपुर के रेलवे स्टेशन को लेकर 430 करोड़ की एक बिल्डिंग बन रही है, लेकिन वो बिल्डिंग बनाना तभी पूरा माना जाएगा जब साउथ भागलपुर में भी उस तरह की एक बिल्डिंग इस तरफ भी उतनी बड़ी ना बने लेकिन छोटी बने। पहले मैं सैयद शहनवाज हुसैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपना आभार प्रकट करती हूँ कि आपने दक्षिणी क्षेत्र के बारे में सोचा। ये मेरा दक्षिणी क्षेत्र कई वर्षों से वंचित रहा है और ये स्टेशन परिसर का विकास अब दक्षिणी क्षेत्र की तरफ भी होगा। मेरा बस एक ही कहना है कि जो मेरा स्टेशन इतना हाईटेक हो रहा है, उसका जो एंट्री है वो भी हाईटेक होना चाहिए, क्योंकि लोग जिस रास्ते से गुजर के यहाँ स्टेशन तक आएंगे, उनको लगना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं वो एरिया या यहाँ से जो निकल रहे हैं उनको लगना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं वो मेरा स्मार्ट सिटी है और हम किसी हाईटेक टाउन में जा रहे हैं। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा
और भी बहुत कुछ मौजूद है, एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा, स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। भागलपुर के लाजपत पार्क में पौधे को बचाने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत रविवार को कार्यक्रम में सक्षम फाउंडेशन की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे की गुड़ाई और साफ सफाई की गई। इस दौरान अपने अपने घरों से पानी लाकर सदस्यों ने पौधे में पानी डाला और आम लोगों से भी पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की संस्था के सदस्यों ने की। वहीं इस दौरान वहाँ मौजूद लोगों ने भी संस्था के इस प्रयास की सराहना की और इस मुहिम से जुड़ने के लिए लोगों ने अपनी उत्सुकता दिखाई। मौके पर फाउंडेशन की अध्यक्ष संगीता तिवारी, उपाध्यक्ष नीरज तिवारी, संगीता सिन्हा, सारिका प्रियदर्शी, सरिता पाठक समेत संस्था से जुड़े कई सदस्य मौजूद रहे। खेल खेल में पढ़ाई की सुविधा को ध्यान में रखकर भागलपुर की राधा रानी सिन्हा रोड आदमपुर स्थित एक विवाह भवन में आई एम स्मार्ट फ्यूचर स्कूल ऐप का शुभारंभ किया गया। दरअसल बांका के बौसी प्रखंड अंतर्गत गुरुधाम निवासी स्वर्गीय नवनीत पराशर के पुत्र नवांशु पराशर द्वारा डिजाइन किया हुआ आई एम स्मार्ट फ्यूचर स्कूल ऐप के लॉन्चिंग कार्यक्रम में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, फ्रेंचाइजी पार्टनर अनुराधा सिंह एवं नवांशु प्राशन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। वहीं इस दौरान सभी अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान नवांशु प्राशन ने ऐप का डेमो और प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया और इस ऐप से होने वाले लाभ के बारे में लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। नवांशु प्राशन ने बताया कि 2020 में कोरोना महामारी के दौरान ही उन्होंने इस ऐप को बनाया था और इसकी मुख्य शाखा मुंबई में स्थित है, जबकि ऑपरेशनल कार्यालय मौसी के गुरुधाम में है। उन्होंने बताया कि अब इसका लाभ भागलपुर के लोगों को मिले, इसके लिए आई एम स्मार्ट फ्यूचर स्कूल की सुविधा बेहद कम लागत पर और सहजता से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में एक इकोसिस्टम बिल्ड करने के उद्देश्य से बनाए गए इस ऐप का मकसद बच्चों को समझ के साथ पढ़ाना है और पढ़ाई का मतलब केवल रट्टा मारना नहीं है, बल्कि पढ़ाई का मतलब दिमाग को एक्टिव करना है। इससे समाज में शिक्षा का सही महत्व लोगों को समझ आएगा और बच्चों की पढ़ाई सार्थक हो सकेगी। मन संचालन ऋषभ कश्यप ने किया, जबकि मौके पर टीम के आशुतोष कुमार रॉय, हरिमोहन, अतिकांत सिन्हा, अर्पिता, कुंदन समेत शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्मार्ट फ्यूचर स्कूल एक ऐप है, एडटेक प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से उसका आज इनॉग्रेशन है, जो कि भागलपुर वासियों के बच्चों के लिए, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के सारे बच्चों के लिए बहुत ही मिनिमम एंड अफोर्डेबल प्राइस पे वो घर बैठे अपनी शिक्षा पूरा कर पाएंगे। वो नर्सरी से लेकर 12th तक की सारी एडुकेशन सिस्टम उनके सारे सब्जेक्ट के साथ वो फुलफिल कर पाएंगे और समझदारी के साथ एडुकेशन का फायदा ले पाएंगे और बोरिंग एडुकेशन से वो बच पाएंगे, वंचित हो पाएंगे। जहाँ की रट्टा मारने की शिक्षा आज चली जा रही है, उस रट्टा मारने वाली शिक्षा को बंद करना है और समझदारी के एडुकेशन को बनाना है, जिससे कि बच्चे की मानसिक के विकास हो पाए।